Elon Musk challenged Vladimir Putin, Russian president, to single combat Ukraine in on stake. Tesla and SpaceX chief Elon Musk Monday challenged Vladimir Putin to single combat over Ukraine. Elon Musk, जो मैंने आपसे रेगुलर की वीडियोस में आपसे जब भी मैंने उनकी बात की तो आपसे मैंने बताया है कि दिस इज़ अ रेवोल्यूशन मैन ऑफ द अर्थ, दिस इज़ वेरी इनोवेटिव मैन ऑफ द अर्थ, हर चीज़ें मैंने इनके बारे में बताई. बट इन्होंने कल रात ऐसा ट्वीट कर दिया है जिसकी वजह से पूरी इंटरनेशनल मीडिया तहलका मचा दी इस न्यूज़ में. क्या है ये खबर और क्या इन्होंने ट्वीट कर दिया ऐसा, मैं आपको बताऊँ. रशिया यूक्रेन जो क्राइसिस चल रहा है उस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं, ठीक है. मैंने आपको पहले ये भी बता रखा है कि अमेरिका बहुत सोच समझ के कुछ भी कदम उठा रहा है और कुछ भी जो बोल रहा है बहुत सोच समझ के बोल रहा है. बट अमेरिका में ही स्थापित इलॉन मस्क, उन्होंने कल रात एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिसके वजह से इंटरनेशनल मीडिया में तहलका मच गया. वो ट्वीट ये किया है कि अगर पुतिन में हिम्मत है तो वो मुझसे टकराएं और जो जीतेगा उसका यूक्रेन हो जाएगा. तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलॉन मस्क ने ये गलती की है और इस गलती के पीछे का कारण क्या और इसकी वजह क्या. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इस पर आपका भी पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, मेरे अलग ओपिनियन हो सकते हैं, ये अलग अलग मत हो सकते हैं. बट मैं चाहता हूं आप सभी लोगों से, जो भी लोग मेरे वीडियोस को देखेंगे, प्लीज़ इस वीडियो पे अपने कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा, ठीक है. क्योंकि दिस इज़ अ वेरी हीटिंग मैटर, बहुत अब ये ज्वलंत मुद्दा बन चुका है. आई हियर बाई एलन मस्क व्लादिमिर पुतिन अ सिंगल कॉम्बैक्ट मस्ट रूट ऑन ट्विटर एडिंग स्टेक्स आर यूक्रेन, डू यू एग्री टू दिस फाइट ही शेड. देखिए सबसे पहले मैं आपको, अगर जंग के बीच मस्क ने पुतिन को ललकारा है और ओपन चैलेंज पर दाव लगा दी है ये चीज़, और रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का सोमवार को 19वां दिन है. यह युद्ध लगातार भयावह होता जा रहा है, रूस और दोनों पक्षों को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है. रूस यूक्रेन की जंग से दुनिया के दो धड़े में बट गए हैं, कुछ देश ताकतवर लोग यूक्रेन के साथ हो गए, कुछ लोग क्या पूरी दुनिया हो गई है. भारत चाइना को छोड़ दें तो वो भारत चाइना और एक दो कंट्री है वो रशिया के साथ खड़ी होने के लिए एस्टैब्लिश हो रही है, बाकी पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी हो गई है. रूस और यूक्रेन की जंग ने दुनिया को दो धड़े में बांट दिया है और कुछ लोग रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शहीद ठहरा रहे हैं. इस बीच स्पेसएक्स के सीईओ इलॉन मस्क ने पुतिन को खुला चैलेंज दे दिया है. पुतिन को मस्क का ओपन चैलेंज मिला गया है. दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल इलॉन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ हैं. उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 1-to-1 चैलेंज देते हुए एक ट्वीट कर दिया है. मस्क ने कहा है कि क्या पुतिन आमने सामने की लड़ाई करने के लिए तैयार है. इस सिंगल मुकाबले में यूक्रेन दांव पर है और रशियन भाषा में किए गए इस ट्वीट को पुतिन के लिए सीधा ललकार माना जा रहा है. मतलब रशियन भाषा में उन्होंने ट्वीट किया और वो ट्वीट आप देख भी सकते हैं, अपने ट्विटर अकाउंट पर भी आप जाके देख सकते हैं, बाकायदा मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया. एक अन्य ट्वीट में मस्क ने रूसी राष्ट्रपति के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए लिखा, क्या आप इस मुकाबले के लिए तैयार हैं. यह पहली बार नहीं है जब एलन मस्क ने खुलकर यूक्रेन के साथ आए. इससे पहले भी मस्क ने भीषण जंग के बीच अपनी कंपनी स्टारलिंक के सैटेलाइट के जरिए यूक्रेन की इंटरनेट कनेक्टिविटी देकर मदद की थी. मैंने आपको ऑलरेडी उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बताया था. जो भी इस मैटर से इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी बड़ी चहल हो रही है मैं आपको एक सेपरेट वीडियो करके बता दे रहा हूँ उसके बारे में. आप देख सकते हैं इंटरनेट पर जो स्टारलिंक ने इंटरनेट प्रोवाइड किया है यूक्रेन को, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है. मजाक नहीं है, सीरियस है एलन मस्क, और सीरियस क्यों है वो भी आप समझिए. मस्क के चैलेंज वाले ट्वीट पर लगातार यूजर्स के रिएक्शन भी आ रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति आसानी से यह मुकाबला जीत जाएंगे. इसका एक जवाब देते हुए एलन मस्क कहते हैं कि अगर पुतिन पश्चिम को आसानी से अपमानित कर सकते हैं तो उन्हें चैलेंज स्वीकार करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है. ट्विटर पर कई यूजर्स का मानना है कि मजाक जो एलन मस्क कह रहे हैं सिर्फ मजाक है और हल्केपन में ऐसे बयान दे रहे हैं, लेकिन ऐसे सवालों में जवाब में एलन मस्क ने जवाब में एकदम सीरियस होकर ये बात कह रहे हैं. देखिए ये बात रही इनके ट्वीट की और इनकी चीज़ों की, ठीक. लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, इन्होंने ये गलत किया, एलन मस्क ने ये चीज़ गलत की. रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ. देखिए अगर हमारे देश में पाकिस्तान या चाइना से कोई भी चीज़ होती है तो हमारे देश के प्रतिनिधिमंडल, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के जो राजदूत हैं वो बात करेंगे ना, वो बात करेंगे. अब ऐसा नहीं ना है कि हमारे देश में जो रिचेस्ट पर्सन है वो जाके बात करने लगेगा, ऐसा नहीं ना होगा. जो हमारे देश में जो एक रणनीति बनती है, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाते हैं, वो ना बात करेंगे. वो हमारे सारी चीज़ों को जो देख रहे हैं वो ना हमारी बात करेंगे, कि जो उसके बारे में जानता ही नहीं है वो क्या बात करेगा, ठीक है. तो इसी तरीके का एलन मस्क कर रहे हैं. एलन मस्क देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति बोल ही रहे हैं, उनसे नहीं संभल रहा है. अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बोली रही, उनसे नहीं संभल पा रहा है. अमेरिका के बहुत सारे एडवाइजर्स बोली रहे हैं, उनसे नहीं संभल पा रहा है. अमेरिका की CIA बोली रही है, दावे पे दावे कर रही है, लेकिन उनसे नहीं संभल पा रहा है. अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज भी बहुत सारे दावे कर रही हैं, नाटो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, UN बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, किसी से नहीं संभल पा रहा है. तो अब एक चारा बच रहा है एलन मस्क का. तो इन लोगों ने एलन मस्क से ये चीज़ करवाई है या की है, आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है. लेकिन एलन मस्क ने ये गलती की है. रीज़न इसका मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत एग्जैक्ट रीज़न बता रहा हूँ. देखिए नेशनल चीज़ें जो होती हैं ना, राष्ट्र की चीज़ें, वो राष्ट्र ही समझ सकता है क्या है क्या नहीं है, ठीक है. अभी बॉर्डर डिस्प्यूट है, कारण क्या है वो भी आप जानते हैं.
अगर आपको कारण नहीं मालूम तो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। यूक्रेन जो है रशिया का ही एक पहले पार्ट था, यूएसएसआर में 15 कंट्री थे, टूट के यूएसएसआर के हिस्से थे, लेकिन यूक्रेन अलग हो गया। जब यूक्रेन बना था तो उस टाइम में रशिया ने सारी चीज़ें एकदम क्लियर रखी थी और रशिया ने खुद बोला था कि आपको हम सारी चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट करके देंगे। और रशिया ने पूरा डेवलपमेंट जो भी यूक्रेन में हुआ सब कुछ रशिया ने करके दिया, पैसा देता है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, सारी बिल्डिंग सब कुछ रशिया ने करके दिया। फिर भी आज के टाइम में यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, एक कॉमेडियन है, सबसे बड़ी चीज़ उनकी खासियत है, कॉमेडियन है, वो स्टैंडअप कॉमेडियन करते हैं, उनको यही नहीं मालूम है कि हमको जो सब कुछ करके दे रहा है उसके बावजूद भी हम उसे दगाबाजी कर रहे हैं। वो जाके अमेरिका के गोद में बैठ रहे हैं और अमेरिका आप जानते हैं कितनी बखूबी तरीके से किसी कंट्री का यूज़ करता है, चाहे वो अफगानिस्तान हाल फिलहाल का मसला आप देख सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान है जो पहले की लड़ाइयों में आप देख चुके हैं आता था लेकिन वो छोड़ के चला जाता था, यही सारी चीज़ें होती थी और बहुत सारे ऐसे अमेरिका के एग्जांपल्स हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अभी यूक्रेन को ये चीज़ समझनी चाहिए। लेकिन इसी बीच एलोन मस्क भी चले आए हैं, एलोन मस्क ये चीज़ गलत कर रहे हैं कि किसी कंट्री को डायरेक्ट चैलेंज दे रहे हैं कि आप फाइट करिए। आज मैं आपसे इस बात को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्द ही एक वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा एलोन मस्क कहाँ पे स्टैंड करते हैं और पुतिन की पूरी रशिया कहाँ पे स्टैंड करती है। और पुतिन जो है ना, दिस इज़ नॉट नॉर्मल मैन। ये आप लोग अगर सोचते होंगे कि ही इज़ मैन इज़ अ वेरी मतलब एक नॉर्मल पर्सन है, ये किसी भी निर्वाचित होकर राष्ट्रपति बन गए, तो ऐसा नहीं है। बहुत बड़े इंसान हैं ये और बहुत एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी के मैं काम भी कर चुके हैं, आर्मी में भी काम कर चुके हैं, सारी चीज़ें मैं एक सेवरल वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि एलोन मस्क ने गलती की है, क्योंकि नेशनल की चीज़ें नेशनल हैंडल कर रहा है, नेशनल प्रेसिडेंट हायर कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसे प्राइम मिनिस्टर अपनी बात कह सकते हैं, प्रेसिडेंट अपनी बात कह सकते हैं, नाटो बना है, यूएन बना है, सारी चीज़ें बनी हैं, यूरोपियन यूनियन बना है, तो भाई वो मैटर संभाल रहे हैं, आप क्यों बीच में पड़ रहे हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि आप राष्ट्र की चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो। नाटो आके बगल में बैठ जाएगा, आप तो यही कहोगे ना कि नाटो को बैठा लीजिए बगल में, आप ये चीज़ नहीं समझ पाओगे कि राष्ट्र के लिए आहत हो जाएगा ये चीज, और उसके दुश्मन अगर बगल में आके बैठ जाता है तो फिर तो कोई दिक्कत है, ये चीज आप नहीं समझ पाओगे। और थर्ड पॉइंट मैं एलोन मस्क के इस ट्वीट के लिए आपको बताना चाहूंगा कि एलोन मस्क ने जो ये ट्वीट किया है ये रशियन भाषा में किया है और इसके पे मॉस्को को टैग भी किया गया है, ठीक है, एक दो सेकंड ट्वीट में इसको टैग भी किया गया। लेकिन एलोन मस्क जो ये लड़ाई करने की बात कर रहे हैं वो यूक्रेन को जीतने की बात कर रहे हैं, उसमें ये वो बता रहे हैं कि यूक्रेन जो जीतेगा उसका यूक्रेन हो जाएगा। इस तरह से जो तो यूक्रेन को आप या तो बच्चा समझ रहे हो या यूक्रेन को आप हथियाना समझ रहे हो, दो में से एक ही चीज़ हो सकती है, क्योंकि बच्चा इसीलिए समझ रहे हो ना कि इसको आप टॉस मुछाल रहे हो, अगर हेड आ गया तो तुम्हारा होगा, टेल आ गया तो मेरा होगा, ये वाली चीज़ होगी, फिट एंड फाइट वाली चीज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ें गलत है। हमारी अगर फेस टू फेस बातें हो रही हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी चीज़ें कह रहे हैं कि हम रशिया की सारी शर्तें मान रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाय लिटरल टॉक्स हो रही हैं भाई, सारी चीज़ें हो रही, तो फिर ये सारी चीज़ों को क्या मतलब है। अमेरिका हर टाइम कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करता है और कुछ ना कुछ दंगा भड़काने की कोशिश करता है, वही चीज़ एलोन मस्क की तरफ से अब की जा रही है, मुझे जो लगता है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, आई डोंट नो इसके बाद क्या रिएक्शंस होंगे क्या नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, बट आप अगर खुल के दिमाग से सोचेंगे तो ये चीज़ आप भी समझेंगे। अगर हमारे भारत में कोई बात होती है चाइना को लेकर या पाकिस्तान को लेकर के, तो हमारे भारत या चाइना के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी दोनों कंट्रीज़ के वो ना बात करेंगे, उनके प्रतिनिधिमंडल ना बात करेंगे, हमारे पेंगोंग लेक में अभी जो भी घटना हुई है उस पर हमारे प्रतिनिधिमंडल बात करेंगे, हमारे डिप्लोमेट्स बात करेंगे, हमारे उस पर राजदूत बड़े बड़े बात करेंगे, हमारे विदेश मंत्री बात करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री बात करेंगे, हमारे राष्ट्रपति बात करेंगे, ये ना बात करेंगे कि हमारे मुकेश अंबानी जी जाके वहाँ बात करेंगे। आप खुद से सोचिए, मुकेश अंबानी जी चाइना के शी जिनपिंग को बोलेंगे हम टक्कर लेते तुमसे, आप खुद समझ के देखिए, ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप खुद समझिए। और इस कंडीशन को अमेरिका के एस्टेब्लिश करके देखिए, अमेरिका के जो बाइडन ना बात करेंगे, अमेरिका के कमला हैरिस ना बात करेंगे, अमेरिका का CIA बात करेगा ना, अमेरिका के और सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ना बात करेंगी, यूरोपियन यूनियन ना बात करेगी, नाटो बात करेगी ना, यूएन बात करेगी ना, एलोन मस्क कौन होते हैं हम बात करने वाले, और उन्होंने कैसे ये बात कही कि हम रशिया से 1-to-1 फाइट करते हैं, जो जीत जाएगा वो ले लेगा, और रशिया को नहीं पुतिन से ही फाइट कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, क्योंकि ये बहुत मैंने पहले बता दिया ज्वलंत मुद्दा है, इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग। आप सभी से मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो की अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।